fuck 12, fuck SWAT. Bustin' all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. सो हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आ चुका आपको लिख लिए एक और न्यू अपडेट लेके। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी न्यू अपडेट आ चुका है। वैसे मुझे पता है बहुत से लोगों को मिला है, बहुत से लोगों को नहीं मिला है, ठीक है ना बेटा अपडेट। तो जैसे कि आपको पता है अभी तीन टेबल आ चुके हैं न्यू, आपको पता होगा ये वाले। इनमें न्यू टेबल मतलब तीन आए वाले, मतलब एक 3 लाख का है, एक 7,500 का है और भाई एक 50,000 का टेबल है गाइस। मतलब तीन टाइप के टेबल है और ये परमानेंट टेबल है, ठीक है ना। ये टेबल कहीं नहीं आने वाले, ये परमानेंट आ चुके हैं 2v2v इवेंट में। मतलब 2v2 जो अपना अपडेट आया वाला है, मतलब चार बंदे एक साथ खेल सकते हैं जैसे कि आप गेम प्ले दिखा रहे हैं आप लोगों को वैसा। तो ये तीन जो टेबल लेके आए उन्होंने स्पेशल जो ये 2v2 का अपडेट है गाइस उनके लिए सिर्फ, मतलब जो अपना सिंगापुर है न्यूयॉर्क है उसमें नहीं होने वाला है 2v2 का। इन्होंने स्पेशल इसके वास्ते लेके आए अभी न्यू टेबल के वास्ते 2v2। तो बहुत अच्छी बात है भाई, जो अपने पुराने टेबल है उसमें नहीं लेके आए इन्होंने अपडेट, क्योंकि भाई सिंगापुर टेबल गायब कर देता है आप लोगों को पता होगा। बीच में मैं बताया था आप लोगों को सिंगापुर का टेबल गायब था और एक और टेबल गायब था, क्या नाम था उसका अपना मुंबई एरा ना, तो वो टेबल भी गायब था तो आपको पता होगा। तो भाई अच्छा है उन्होंने ये अलग टेबल लेके आए तीन ये 2v2 गेम प्ले करने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है गाइस। मतलब अभी तीनों टेबल पे गेम प्ले तो नहीं लेके आया हूँ मैं, दो टेबल पे गेम प्ले लेके आया हूँ, एक ये वाला एक 50,000 वाला। छोटे टेबल पे गेम प्ले नहीं करा मैंने, ठीक है ना। और भाई आइटम प्ले के बारे में बात करिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए, तो चलो गेम प्ले भी थोड़ा ध्यान देते हैं और ये गेम प्ले देखो गाइस किस तरह से फिनिश करता हूँ। वैसे टर्न मुझे मेरे पास आती है और ज़्यादा लंबा तो अपन गेम घुमाएंगे नहीं, आपको पता है एक बार चांस मिल गया तो ब्रेक टू फिनिश कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले तो यार आप लोग ये ब्रेक टू फिनिश देख लो, फिर अपन बाद में बाकी बात करने वाले वीडियो में। तो एंटर बने रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है अपनी इस वीडियो में, तो आप लोगों ने प्लीज़ एंटर बने रहना है। और यहाँ पे ध्यान से देखो किस तरह से मैं फिनिश करता हूँ। और यहाँ पे यार क्या करेगा इस, मतलब जितना मैं 2v2 गेम प्ले कर रहा हूँ ना, ज़्यादातर गाइस अपने जो सब्सक्राइबर अभी वही मिल रहे हैं मुझे गेम प्ले में और अपने फैन लोग भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस, जितना भी मैं गेम प्ले करूँगा ना उसमें एक ना एक फैन निकलने वाला है भी, मतलब क्या ही बोलो गाइस, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। मतलब फेयर गेम प्ले हो रहा है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब पे सब फेयर गेम प्ले खेल रहे हैं, जो भी 2v2 में जा रहा है बंदा वो ज़्यादातर फेयर गेम प्ले खेल रहा है। वैसे लूलू बॉक्स अभी इसमें वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये मुझे पता है 100%। जो आई टू प्ले हैक है भाई उसके बारे में कल वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, आप लोगों को सब बताने वाला भी। इसमें आई टू विन या आई टू प्ले हैक चल रहा है कि नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो कल मैं छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आप लोगों को बता दूँगा भी क्या सीन है क्या नहीं। और भाई इसमें लूलू बॉक्स तो 100% वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और जो आई टू प्लैक है उसके बारे में कल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं। और भाई आप लोगों ने बताना है आपको ये अपडेट कैसा लगा गाइस, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों ने। तो ये गेम प्ले देखो अपने ओपनेंट खेल रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अपने फ़ैन मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई चलो भाई हेलो, तो मैं यहाँ पे हेलो बोल देता हूँ, बाद में टाइप कर लेता हूँ। और यहाँ पे टर्न अपने ओपनेंट के चालू है, ठीक है ना, अपने साथ के बंदे के चालू है, ठीक है। तो देखिए भाई पूरा फिनिश कर पाता कि नहीं, कुछ ऊँचे गेम प्ले गाइस और कुछ अपने गेम प्ले, अपने देखिए भाई कैसा अपना ओपनेंट फिनिश कर पाता कि नहीं, दिमाग से खेल पाता है कि नहीं यहाँ पे। तो देखो भाई अपने सब्सक्राइबर ये भी, ठीक है ना, तो ये भी अपने सब्सक्राइबर है। और यहाँ पे ध्यान से देखो बहुत अच्छी कॉइन पोर्ट करते जा रहे हैं बंदे अपने साथ का भाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस क्या करते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे मैं वेल प्लेट टाइप करके भेज देता हूँ, चलो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे चलो गाइस वेल प्लेट बोल देता हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा खेल रहा था अपना ओपनेंट, मतलब अपना बंदा अपने साथ का, ठीक है ना, अपना ओपनेंट नहीं, ठीक है, मतलब ओपनेंट बोले तो अपने दो जो सामने के बंदे वो ओपनेंट हो गए, और जो अपने साथ का बंदा है तो भाई अपना बंदा है, ठीक है ना। यहाँ पे मिस कर देता है यार वो, और यहाँ पे अपने ओपनेंट को मिल जाती है टर्न। और यहाँ पे देखो भाई मतलब गाइस यार बेचारे को अभी टर्न मिली थी और बेचारे का फॉल भी हो रहा था यार, मतलब बहुत गलत सीन हो गया। यहाँ पे चांस मिलता है भी, यहाँ पे बहुत ही प्यारा है किशोर मार दो टॉप फ्लिप में, अब तो चांस नहीं देने वाले, अभी एक चांस बहुत हो गया, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे क्या करता होगा, इसमें दोनों कॉइन को इजिली पोर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको आराम से मारता हूँ, कॉइन अपनी फंस ना जाए बाद में, जो टॉप फ्लिप वाली जो कॉइन है तो उसको आसानी से मैं रिलीज़ कर लेता हूँ। और शिवर भी यहाँ पे, और ये गेम प्ले अपन इजिली विन कर लेते। और भाई लास्ट वाला गेम प्ले तो आप लोगों ने मिस ही नहीं करना है, कितना खतरनाक मैं लॉस करता हूँ, मतलब एक लास्ट वाली जो कॉइन है ना इस, मतलब मिस हो जाती है मेरे से। तो आप लोगों ने वो गेम प्ले ज़रूर देखना है। तो चलो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, अपने ओपनेंट भी टर्न आती है फिर से। तो भाई मैं बोलता हूँ मस्त, तो क्या हाल बोल रहे थे भाई, तो मस्त हो भाई एक नंबर। अब बताओ तो यहाँ पे ध्यान से देखो अपने ओपनेंट किस तरह से ब्लैक कॉइन, मतलब अपना साथी यार, मैं भी क्या बोलते यार यार मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया लगता। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने अपनी ओपनेंट की कॉइन पोर्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से गाइस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करना, सिर्फ फोड़ना मत पूरा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मत, देखो यहाँ पे
बोलने से पहले इन्होंने फोड़ दिया है, बोलने वाला था भाई मत फोड़ो। तो यहाँ पे अपने ओपनिंग की कॉइन पोर्ट करने का काम था इनका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, तो दिमाग से खेलना पड़ेगा। अगर जब आपके पास एक चांस चलेगा आपका, अगर जब बोर्ड आपको शिवर है अपने ओपनिंग को, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी कॉइन फंसाना है या तो भाई कॉइन को पोर्ट कर लेना है, जो कॉइन से वो अपनी बाकी कॉइन निकाल सकता, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे चार लोग खेलने वाले, जैसे कि अपना रियल कैरम नहीं भाई, इसमें चार पाँच अपनी टर्न आ जाए भाई, कैरम पूरे, ठीक है ना। तो इसमें एक चांस बहुत हो गया, ठीक है ना। एक बार चांस आपका मिस हो गया तो भाई शायद आपके पास टर्न आएंगी, ठीक है ना। ये आप लोगों दिमाग में लगा लेना है अपने, मतलब अपना रियल वाला कैरम नहीं भाई, कैरम पूरे ये मोबाइल गेम है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक ही बार चांस मिलेगा, तो आपको एक ही बार में फिनिश करना पड़ेगा भाई। अगर जैसे में लुलू बॉस प्लेयर आ जाता है गलती से भी, तो आप लोगों ने भूले जाना है 2v2 गेम प्ले खेलना, ठीक है ना। मतलब 2v2 गेम प्ले खेलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगर जैसे सामने के दोनों ओपोनेंट भाई लुलू प्लेयर निकल गए या तो ऑटो प्लेयर हैकर निकल गए, तो भाई आपके तो गए भी गेम। तो आपको क्या एक ही गेम खेलना पड़ेगा, कौन सा भाई, जो अपना न्यूयॉर्क है, मुंबई एराना है, दुबई और भाई इस्तांबुल, ये टेबल पर आप लोगों ने प्यार से जाके खेलना है, ज़्यादा मस्ती नहीं करना है, ठीक है ना। ये क्या बात करता है यार। हाँ भाई सही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे गाइस आपके सामने तीनों भी ओपन, मतलब मेरे साथ का बंदा भी हैक यूज़ कर रहा हूँ, तो भी अपना थोड़े से चांसेस है, ठीक है। जब अपने बंदे के पास टर्न आए तो जब आपके चांसेस है, ठीक है ना, विन करने के। अगर जब भाई अपने तुम्हारे अपने ओपोनेंट के सामने चले गए, ठीक है ना, तो भाई वो तो पूरा फिनिश ही कर देगा ना भाई। अगर जब अपने ओपोनेंट के सामने आती है टर्न और वो आई टू प्ले हैकर निकलता है, तो इसमें अपना फ़ायदा है, ठीक है ना। तो सामने की जो दो ओपोनेंट है उनका घाटा है, अपना फ़ायदा है, क्योंकि अपने साथ का बंदा है भाई। अगर जब वो पूरा फिनिश करेंगे, अपन गेम विन करेंगे, तो अपने को कॉइंस मिलेंगे, वो अपने बंदे को मिलेंगे, तो ये एक फ़ायदा हो सकता है अपना। अगर जब भी अपने ओपोनेंट करने चांस जाती है और दोनों के पास टर्न हैक रहता है और अपने बंदे के पास कुछ नहीं रहता है, तो भी आप भूल जाओ भाई, मतलब अपने को तो टर्न भी नहीं मिलने वाली और कॉइन भी लॉस होने वाले अपन। तो उसमें बात क्या हो जाती है, हम उधर की भी रहे नहीं और इधर की भी नहीं रहे, तो बीच में ये बात हो जाती है ना गाइस, उधर की भी नहीं और इधर की भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं फ़ायदा होने वाला आप लोगों का, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ध्यान से खेलना है, नहीं तो अपना वो ही अच्छा भी 1v1 का, या तो आपको खेलना है भाई 2v2 का, तो आपका 7,500 वाला टेबल पड़ा हुआ है भाई, आप लोग जाके इन्जॉय करो भी वो टेबल पे और मस्त फेयर गेम प्ले खेलो। अगर जब लुलू प्लेयर आता है तो आपके कॉइन लेके चल जाएगा भाई, उसमें ज़्यादा दुख नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे देखो गाइस, एक शॉट तो बहुत अच्छा मारता हूँ, आप लोगों ने देखा मैं बैक शॉट, मतलब रिटर्न में, पर यहाँ पे देखो भी गैप नहीं था और यहाँ पे मैं मिस भी कर देता हूँ। तो मैं क्या बात पे थे अपन भाई, ठीक है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ भी 7,500 का जो टेबल है, ठीक है ना, तो आप लोगों ने उस पर खेलना है। अगर जब लॉस भी होता तो भाई इतना तो कोई लॉस होने वाले कॉइन, अगर जब आपके पास 60-70,000 भी कॉइन रहे और 7,000 कॉइन भी चले गए आपके, तो उतना कुछ दुख नहीं होगा, फ़र्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग छोटा टेबल खेल सकते हो मेरे ख्याल से, तो अभी के लिए फ़िलहाल लुलू बॉक्स या तो M11 तो नहीं आने वाला है 8-10 दिन, ठीक है ना। और भी अपडेट किसी किसको मिला तो कमेंट करके बता देना है भी, और आप लोगों ने कुछ दिन वेट करना है, आपको भी अपडेट मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो वेट कर लो गाइस, सभी को मिलने वाला है अपडेट, ऐसे नहीं कि भाई मेरे को भी मिला, आपको भी मिलने वाला है, वैसे तो बहुत से लोगों को मिल भी चुका है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे गेम अपन लॉस कर लेते हैं, और भाई वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं हर वीडियो के साथ, तभी के लिए बाय बाय, टिके तो अस्सलाम वालेकुम।